हेलो मेरे भाइयों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ट्यूटोरियल बनाओ, शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट करते हो, यानी जिसे आप शॉर्ट वीडियो देखते हो वो मैं कैसे एडिट करता हूँ। तो यही डिटेल्स मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, यानी मैं अपने राज आज खोलने वाला हूँ। गाइस तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। गाइस ये वीडियो में आपको सब कुछ यानी ए टू जेड डिटेल्स में देने वाला हूँ, यानी आप लोग को कैसे एडिट करना है उसका, यानी आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए रहेगा, क्या क्या चाहिए रहेगा। और गाइस एक चीज़ और, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये सभी फोन्स के लिए, यानी आपका कोई भी फ़ोन हो, 1 GB हो, 1.5 GB हो, 2 GB हो, आपके पास कोई भी फ़ोन हो गाइस, ये फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हो, ये एडिट कर सकते हो वीडियो, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले एडिट करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो तो कंपलसरी, वो तो आपको ही पता है कि कुछ अगर डाउनलोड वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पे काइनमास्टर से ही आप एडिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। तो अगर आपको विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर चाहिए तो उसके लिए भी गाइस आप लोग कमेंट कर दो, अगर आपको नहीं पता कहाँ से मिलता है विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, जैसा भी आपको चाहिए गाइस आप लोग कमेंट करके बता देना। तो बहुत अच्छी बात है गाइस आप लोग भी कमेंट कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पे वीडियो तो स्टार्ट हो चुका है। फिर भी गाइस अभी जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना गाइस। तो चलते अभी अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर चाहिए, आप लोग एप्लीकेशन से जाके यानी प्ले स्टोर से जाके काइनमास्टर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। काइनमास्टर इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होगा, अगर नहीं है तो गाइज आप प्ले स्टोर से आप स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर से होता ये है कि गाइज सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क नहीं मिलता आपको इसमें, ठीक है। और क्वालिटी भी गाइज इसकी A1 है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके, यानी आपको कोई भी वीडियो चाहिए गाइज आप लोग को देखना है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो मैं उसी चीज़ पे वीडियो बना के पोस्ट करूँगा, ताकि गाइज आप लोग अच्छे यूट्यूबर बन पाओ और गाइज आप लोग को समझ में आए, अच्छे से एडिट कर पाओ, ठीक है। तो गाइज आप लोग यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट वीडियो एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ओपन करना है काइनमास्टर, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ सॉरी यहाँ पे काइनमास्टर, तो यहाँ पे काइनमास्टर हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद नॉर्मली ऐसे तो होम पेज आपको मिलेगा यहाँ पे, जब आप नया ओपन करोगे तो अलाव अलाव आपको करना है, ठीक है। कोई भी आपका आएगा वहाँ पे अलाव आपको करना है, और यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप काइनमास्टर ओपन करोगे यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको नॉर्मली क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे रेशो पूछ रहा है कि आपको किसके लिए वीडियो बनाना है, तो फर्स्ट वाला तो यूट्यूब के लिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला भी मूवीज के लिए है, बट गाइज आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है, 9:16 का रेशियो आपको होना चाहिए, यानी आपको सेकेंड वाला यहाँ पे प्रेस करना है। इससे होता है कि आप शॉर्ट वीडियो देखते हो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, यानी कोई भी आप शॉर्ट वीडियो देखो जो आपको क्वालिटी मिलती है ना गाइज बहुत ही अच्छा, वो गाइज इसी से मिलता है, ठीक है। तो गाइज आपको सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, जैसे ही आपने क्लिक किया इसके बाद नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, और जो इसके नीचे है फोटो डिस्प्ले मोड, तो यहाँ पे फुल दिख रहा है तो आपको फुल करना है, यानी फिल, सॉरी फिल फुल नहीं, फिल है तो फिल भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फिट कर देना, यहाँ पे नॉर्मली फिट करना। इसके अलावा आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है, फोटो ड्यूरेशन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपसे फाइल पूछेगा आपको कौन सा फाइल यहाँ पे डालना है। तो आपको शॉर्ट वीडियो बनाने से पहले गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कोई भी वीडियो बनाते हो पीछे इमेजेस का ऑप्शन है उस पर जाना है, कोई भी एक कलर आपको चूज करना है, तो मैं ये नहीं करता हूँ, नॉर्मली मैं ब्लैक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, उसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। उसको मैं छोटा करता हूँ पहले, उसका ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही बड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा मैं कर देता हूँ 10 मिनट का, यानी आपका वीडियो कितना बड़ा है, शॉर्ट वीडियो तो लगभग 15 से 20 सेकंड का है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बनाएगा तो यहाँ पे 60 सेकंड का। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं वीडियो, क्योंकि अपनी वीडियो बड़ी आप उनको कट करके लगाना है। तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आ गया, एक वीडियो मैंने बनाया था लॉन वुल्फ का। अब देखो गाइस ये इतना छोटा वीडियो है, अब हम लोग इसको बड़ा कैसे करेंगे, यानी बड़ा जैसे आप लोग को दिखता है, जैसे मेरा होता है वीडियो, तो आपका कैसे होगा। उसके लिए देखो यहाँ पे कैंची के बाजू में एक ब्रैकेट जैसा दिख रहा है वीडियो जैसा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और देखो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, तो आपको ऑफ नहीं करना है, उसके बाजू वाले पे क्लिक करना है इस पर,
ठीक है। अभी देखो ये बड़ा हो गया, यहाँ पे आपका जो वीडियो है ना वो बड़ा हो गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब गाइज अभी देखो मेरा यहाँ पे तो आ गया वीडियो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक वीडियो लेता हूँ, जैसे कि एक मिनट रुक जाऊँ, यहाँ पे देखो मैं भी आ गया। पहला गेम ओपी वाला मैंने इसको मारा था, ठीक है। तो मैं इतना वीडियो लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना वीडियो लेता हूँ, पोस्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे बड़ा करने के बाद अभी मैं जितना मुझे चाहिए मैं उतना वहाँ पे कट कर लूँगा। कट करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैची का ऑप्शन दिखेगा, तो कैची पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड और दिख रहा है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, और यहाँ पे देखो स्प्लिट आइट प्लेयर। मतलब इसका है कि पहला वाला अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का ट्रिम होगा यानी कट जाएगा और राइट साइड पे आपका क्लिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कट हो गया, यहाँ पे राइट साइड के टॉप पे आके खड़े हो गया, मतलब ठीक है यहाँ पे पहले मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट का सब कुछ कट गया है। और गाइज अगर आपका काइन मास्टर में कुछ भी एडिट करते हो, अगर आप यूज़ करते हो तो शायद ही बहुत लोग को पता होगा कि अगर आपका काइन मास्टर से कुछ भी गलती से कट हो जाता है तो वापस से सब लोग वीडियो बनाने लगते हो तो वो सब कैंसिल कर देते हो। बट गाइज आपको बता दूं यहाँ पे देखो एक फंक्शन है, यानी आपको सिर्फ इस पर टैप करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सिर्फ आपको एक बार टैप करना है, यहाँ पे आप लोग को एरो भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो जो आपका कटा हुआ है वो आ जाएगा। यानी इस कोई भी आप चीज़ कट जाता है दो तीन बार, कोई भी वीडियो आपने बनाया उसमें से अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ये एडिट करना है तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली मुझे इतना कट करना था तो मैं राइट साइड का सब हटा दूंगा, यानी इस पर क्लिक करना है मुझे, क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक कर दिया, वापस जाना ऊपर का जो कलर है अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको भी कैंसिल कर दूंगा, सेम कट कर दूंगा। अभी इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, बड़ा करने के बाद अभी देखो मेरा 6-8 सेकंड का वीडियो है, तो 8 सेकंड के वीडियो के लिए गाइस अभी देखो ये जो ऊपर वाला है ना इसे किसी काम का नहीं, यानी मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा देखो इस पर वीडियो पर क्लिक करूँगा और हाथ से इसको ऐसे बड़ा करूँगा, ठीक है, जैसे हम लोग जूम करते हैं ना कोई चीज़, सेम इसको जूम करना है अपने हिसाब से, तो और थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो गाइस बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी यहाँ पे, यानी जितना बड़ा होगा ना गाइस उतना अच्छा दिखता है। बट क्वालिटी इसमें एक ही चीज़ है कि स्क्रीन रिकॉर्डर बताया उससे आप निकाल सकते हो, स्पेस कम आएगा गाइस और आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अगर आपको उसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना, मैं आपको उसका भी ट्यूटोरियल बता दूंगा, मतलब दे दूंगा आप लोग को, कमेंट करके बता देना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा शॉर्ट वीडियो तो यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब मुझे अगर इसमें कुछ और एडिट करना है, यानी मेरा अब शॉर्ट तो रेडी हो गया, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी पोस्ट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। बट गाइस इसमें सब्सक्राइब बटन वगैरह डालना है, अगर कुछ आपको इसमें लिखना है जैसे वॉच टिल एंड तक, यानी लास्ट तक वीडियो देखो, तो कुछ अगर ऐसा लिखना है तो सिंपली आपको लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है तो आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वॉचिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉच टिल एंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉच टिल एंड, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे वॉच टिल एंड तो आ गया, अब वॉच टिल एंड ऊपर करना है इसको। अब गाइस हम लोग इसमें एनिमेशन कैसे देंगे, तो एनिमेशन देने के लिए और इसका कलर चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, आपने बहुत लोग को देखा होगा कि यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे वो लोग का ना मूवमेंट होता रहता है लिखा हुआ, तो वो आपको कैसे करना है, तो उसके लिए गाइस आपको नॉर्मली देखो यहाँ पे कैचे के बाजू में एक कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्हाइट कलर है क्योंकि मैंने बैकग्राउंड में व्हाइट लिया है, तो आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है, कौन सा कलर आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं रेड कलर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इन एनिमेशन, यानी जैसे ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा तो आपको कैसा एनिमेशन चाहिए, तो गाइज आपको हमेशा क्या रखना है, यानी सामने वाले जब देखे तो लेटर बाय लेटर, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो लेटर बाय लेटर कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, फैड, पॉप अप, अपने हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन है, ठीक है, ये सब आपको वाटरमार्क काइन मास्टर में मिलेगा, मेरा विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर। और गाइज एक चीज़ मैं बताया तो इसके लिए मैंने कोई भी पेड नहीं किया है, तो गाइज अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए, यानी कैसे आपको काइन मास्टर चाहिए, यानी काइन मास्टर कैसे एडिट करना है, कैसे डाउनलोड करना है काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर दो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मुझे एंड तक चाहिए वीडियो के एंड तक, तो ये बहुत छोटा है, इसके लिए मुझे नॉर्मली इस पर क्लिक करना है
और इसको बड़ा करना है एंड तक, ठीक है। बड़ा करने के बाद वीडियो पे चेक करूंगा कि ये बराबर है कि नहीं, तो ये बराबर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वर्ड तो बहुत ही छोटा है या और मुझे कोई एनिमेशन भी इतना खास नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे हम लोग अच्छा दिखाए कि सामने वाले इसको देखे। उसके लिए गाइस हम लोग को क्या करना है, ब्लीडिंग पे क्लिक करना है। ब्लीडिंग पे नहीं, हम लोग चलते हैं नीचे। देखो गाइस हम लोग को यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग आउटलाइन पे क्लिक करना है, इसको ऑन करना है, क्लिक करना है। देखो ठीक है, अभी देखो थोड़ा अच्छा दिख रहा है देखने में भी। शेडो पे भी क्लिक करना है, ऑन करना है या राइट करना है। नॉर्मली वापस उस पर क्लिक करना है, ग्लो पे क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, ग्लो हो गया। तो गाइस ऐसे करके आप फंक्शन देखोगे ना, बैकग्राउंड कलर वगैरह आप पीछे डाल सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह डालना है। जैसे मुझे अगर ये बैकग्राउंड डालना है तो बैकग्राउंड वगैरह में डाल सकते हो, तो बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मेरा वीडियो कुछ इस तरीके का दिखेगा गाइस, वॉच टिल एंड, ठीक है। अगर आपको और मूवमेंट चाहिए तो कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि इन एनिमेशन में अगर मैं जाता हूँ क्लॉक वाइज, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। मुझे ये अच्छा लग रहा है गाइस, मैं हमेशा जो वीडियो में लगाता हूँ ना, ये लगे ये बहुत अच्छा दिखता है गाइस ये, ठीक है। वॉच टिल एंड, इससे आपको पता है ये एनिमेशन से ये अच्छा होता है ना कि वहाँ का वीडियो रुक जाता है उतने टाइम तक। ये देखो भाई रुक गया, वॉच टिल एंड, कि इससे सबका ध्यान इस पर जाता है, इसके बाद स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे हो गया वॉच टिल एंड। अगर कोई भी अगर शॉर्ट वीडियो देखेगा तो एंड तक ही देखेगा, इतना तो शॉर्ट है वो स्क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर लिखा है वॉच टिल एंड, तो देखेगा कि एंडिंग में शायद कुछ होगा। और शॉर्ट वीडियो में यही होता है गाइस, अगर एक कोई बंदा अगर फुल वीडियो देखता है, अगर कोई 20 बंदे भी अगर फुल वीडियो देख लिए शॉर्ट वीडियो 6 या 8 सेकंड का, तो वो वीडियो वायरल होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा शॉर्ट वीडियो रेडी तो हो गया है गाइस, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और इसको सेव करता हूँ अपने मोबाइल में। तो इसको सेव कैसे करना है, नॉर्मली इस पर क्लिक करना है, राइट साइड में देखो यहाँ पे एक फ़ोन का सिंबल है एरो का, तो यहाँ पे मैं भी एरो बता दूंगा आपको, देखो क्लिक करना है इस पर। अब लेफ्ट साइड में देखो आपको यहाँ पे क्वालिटी का, यहाँ पे रिजोल्यूशन का यहाँ पे दिया हुआ है FDR 1080p, फ्रेम रेट यहाँ पे 30 है। तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहला लो हाई का ऑप्शन देखो, तो आपको ये हमेशा हाई पे रखना है, ठीक है। हाई पे रखने के बाद आपको यहाँ पे 4K पे करना है इसको। आप कोई भी वीडियो यहाँ पे एडिट करते हो तो आपको हमेशा ये 4K पे ही रखना है, ठीक है। और सेव करना है आपको, तो थोड़े टाइम में सेव हो जाएगा। अगर गाइस लॉन्ग वीडियो है जैसे 12 मिनट का 11 मिनट का, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको सेव होने में, क्योंकि वो चेक करता है गाइस 4K में वो अपलोड करता है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और गाइस अभी मेरा यहाँ वीडियो अपलोड हो रहा है, तो अब जब तक वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस 80% लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वीडियो तो देखते हैं, बट गाइस वीडियो तो डेली देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते गाइस। कर दो गाइस, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो मेरा वीडियो भी यहाँ पे हो गया सेव, अब मैं चलता हूँ यूट्यूब पे। कैसे आपको अपलोड करना है वो यूट्यूब पे, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको कट करता हूँ, अब चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो कैसा दिख रहा है शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया गाइस, यहाँ पे मेरा शॉर्ट वीडियो ये रहा 8 सेकंड का। ये देख सकते हो गाइस आप लोग, कुछ ऐसा वीडियो दिखेगा जब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। वैसे अभी अच्छा नहीं दिख रहा इतना, क्योंकि इसमें गाइस अभी ब्लू कलर हम लोग डालेंगे वीडियो अपलोड करते समय। तो मैं चलता हूँ यूट्यूब पे, आ गया यूट्यूब में। शॉर्ट वीडियो आपको कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। नॉर्मली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, शॉर्ट वीडियो क्रिएटर शॉर्ट का क्लिक करना है, पे क्लिक किया आपने, आपको नॉर्मली आपका फाइल सेलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे 8 सेकंड वाला, उस पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। थोड़ा मेरे में मुझे लग रहा है फंक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि 15 सेकंड से बड़ा वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा, वरना पहले 60 सेकंड तक वीडियो में अपलोड कर सकता था, ठीक है। मेरा यहाँ पे वीडियो हो गया, अब मैं ऐड करूँ। अब देखो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन ही नीचे, फिल्टर पे क्लिक करना है आपको, सेकंड वाले पे क्लिक करना है, तो ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वीडियो। अब मुझे कोई अगर साउंड वगैरह इसमें डालना है अपने हिसाब से, तो आप साउंड पे क्लिक करो, कौन सा साउंड आपको चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली ऐसे साउंड डाल सकते हो। यहाँ पर सुन लो, उसको सुन लो, उसको सुनने के बाद अगर आपको जो भी पसंद आता है तो आप क्लिक करो उस पर। क्लिक करने के बाद आपका वो सॉन्ग इसमें आ जाएगा, तो आपको क्या करना है,
अब आपको क्या लिखना है, हेडिंग वगैरह तो आप लिख सकते हो। और गाइस सेलेक्ट ऑडियंस आपको हमेशा करना है, नो करना है, पब्लिक तो रहेगा ही, हमेशा पब्लिक करना है। तो इसके बाद गाइस आपको नॉर्मली यहाँ पे अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी, चलो आप लोगों को दिखाने के लिए कर ही देता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं इसको क्या किया, एडिट हो गया है, अब अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो गाइस, अभी मेरा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ये सब वीडियो गाइस मैं अभी कुछ ही टाइम पहले अपलोड किया हूँ, तो मेरा वीडियो अभी यहाँ पे अपलोड हो रहा है गाइस। तो अभी उसको अपलोड होने दो, हम लोग चलते हैं वापस अपने, कहाँ गया, अच्छा ये देखो गाइस अभी अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा गाइस, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी अपलोड हो रहा है, ये देखो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, दिखाता हूँ आप लोग को, अपलोड हो जा। तो थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस यहाँ पे अपलोड होने में। तो गाइस आप लोग यकीन मानो बहुत ही अच्छा वीडियो बनेगा काइन मास्टर से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा गाइस तो कुछ हम मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। तो फिलहाल तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता दो, मैं आप लोग को वापस समझा दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।